इधर रामपुर के पटवाई थाना इलाके के सोहना गांव में क्रिसमस के मौके पर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें रामपुर के रहने वाले पादरी पोलुस मसीह का नाम सामने आया है, जिस पर गांव के अनुसूचित जाति के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश करने का आरोप है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पटवाई हरेंद्र यादव को जब सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और आरोपी पादरी पोलुस मसीह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस साजिश की जानकारी गांव के राजीव यादव ने दी थी, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने पादरी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आरोपी पादरी को जेल भेजने की तैयारी में है। ग्राम सोना थाना पटवाई में एक पादरी हैं, जिनका नाम पोलुस मसीह है और ये सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गाँव में कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को, और धर्मांतरण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं लोग। इस पर थानाध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई की और पादरी है इसे गिरफ्तार कर लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज झांसी दौरे पर हैं। इस दौरान वो जेल जाकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दीप नारायण यादव के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिलेंगे। कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पिछले 3 महीनों से जेल में बंद हैं। जेल में उनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव 22 दिसंबर को भी झांसी आए थे, लेकिन पुलिस लाइन के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया था। अखिलेश आज निजी विमान से दोपहर 1:50 पर सेना की हवाई पट्टी पर उतरेंगे। यहां से वो सीधे जेल जाएंगे। वो आधा घंटे जेल में रहकर पूर्व विधायक से मुलाकात करेंगे और दोपहर 3:30 वो आरटीओ ऑफिस के पास दीप नारायण के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज अखिलेश यादव का, जो कि झांसी के दौरे पर रहेंगे। जेल में बंद सपा नेता दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ मुलाकात के बाद उनके परिजनों से मिलने भी उनके घर जाएंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले 22 दिसंबर को झांसी के दौरे पर रहने वाले थे दीप नारायण यादव से मुलाकात करने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन उस दौरान मुलाकात संभव नहीं हो पाई और आज वो दिन है जब अखिलेश यादव जेल में जाकर दीप नारायण यादव से मुलाकात कर सकते हैं। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, कई जो राजनीतिक मायने हैं इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। तो आज ये मुलाकात संभव हो रही है खुद जेल में जाकर, और माना जा रहा है कि आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव दीप नारायण यादव से। दोपहर 1:50 पर सेना के हवाई पट्टी पर उतरने का उनका कार्यक्रम है और यहां से वो सीधे जेल जाएंगे। आधा घंटे जेल में रहकर पूर्व विधायक से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:30 वो आरटीओ ऑफिस के पास दीप नारायण के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का। जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से जो दीप नारायण सिंह यादव है वो जेल में बंद है। कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश का उन पर आरोप है, जिसके चलते ये जेल में बंद है और आज अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से ये जेल में बंद है। 22 दिसंबर को इससे पहले अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद अब आज का वो दिन है जब अखिलेश यादव दीप नारायण यादव से मुलाकात करने वाले हैं। निजी विमान से दोपहर 1:50 पर सेना के हवाई पट्टी पर वो उतरेंगे और यहां से सीधे मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। तो दीप नारायण यादव से मुलाकात की अखिलेश यादव के क्या मायने हैं ये भी जरा आपको समझाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। मुश्किल में पार्टी नेताओं का साथ देना ये बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में अखिलेश यादव की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी को मजबूत करना, सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना ये भी एक माना जा रहा है कि इस मुलाकात के मायने हैं। सपा वोटर्स को एकजुट रखना और 2024 की रणनीति पर काम करना, बुंदेलखंड के सियासी समीकरण को साधना भी इस मुलाकात के मायने बताए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में पार्टी की पकड़ को बनाए रखना, कैसे पार्टी की पकड़ बनाए रखनी है इसे लेकर भी इस मुलाकात के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। दीप नारायण के साथ निकाय की रणनीति भी अखिलेश यादव बना सकते हैं। आधे घंटे मुलाकात होगी जिसमें रणनीति भी बनाई जाएगी। दीप नारायण के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और बदले की सियासत के मुद्दे को उठाना चाहती है समाजवादी पार्टी। इससे पहले इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी और आज वो दिन है जब दीप नारायण यादव से मुलाकात करने वाले हैं अखिलेश यादव, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको बताया हमने पॉइंट्स के जरिए कि क्या क्या जो मायने हैं सियासी वो निकाले जा रहे हैं। तो जेल में
सपा नेताओं से अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 23 अगस्त 2022 को आजमगढ़ में रमाकांत यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को कानपुर में इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने, और 26 दिसंबर यानी कि 2022 झांसी से आज दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। तो ये वो नेता हैं जो कि जेल में बंद थे और इनसे अखिलेश यादव मुलाकात कर चुके हैं। और रतीश त्रिवेदी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रतीश, पूरा कार्यक्रम समझाइए और अखिलेश यादव का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कब वो पहुंचेंगे, कब दीप नारायण यादव से मुलाकात करने जाएंगे और मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, ये भी जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए 1 बजे का वक्त होगा जब अखिलेश यादव अपने प्राइवेट वायुयान से अमौसी एयरपोर्ट से उड़ेंगे और 2:20 पर झांसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। 2:30 का यानी 2:30 का वक्त तय किया गया है जब वो जिला कारागार झांसी पहुंचेंगे, जहां पर दीप नारायण यादव बंद हैं, उनसे मुलाकात करने जाएंगे बुंदेलखंड। और साफ तौर पर अगर बताया जाए सियासी मायनों के लिए करके कार्यक्रम में, इसके अलावा 2 कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम आज झांसी में ही अखिलेश यादव करेंगे और उसके बाद कल सुबह 10 बजे के करीब उनको वापस लखनऊ लौटने का प्रोग्राम है। लेकिन अगर सियासी मायनों की बात की जाए तो बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा नाम, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नाम दीप नारायण यादव का है। क्षेत्रीय छत्रपुर से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी निकल करके इससे पहले कानपुर पहुंचे थे इरफान सोलंकी से मिलने और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। और दूसरा आरोप लगाया था सरकार पर कि सरकार उनके विधायकों को और पूर्व विधायकों को और जो प्रमुख नाम है और क्षेत्रीय छत्र पे उनको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है। दीप नारायण यादव एक बड़ा नाम झांसी के लिए, बुंदेलखंड के लिए, और दीप नारायण यादव से मिलकर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने का काम करेंगे। आज झांसी का पारा अगर कहा जाए तो पारा काफ़ी ज़्यादा कम है, कोहरा काफ़ी है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन सियासी पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ने जा रहा है क्योंकि पूरे दिन आज अखिलेश यादव झांसी में रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, लेकिन प्रमुख मुलाकात दीप नारायण यादव से जेल में होगी। करीब आधे से पौन घंटे की मुलाकात है, 2:30 वो जिला कारागार झांसी पहुंचेंगे और 3:15 वहां से निकलेंगे और उसके बाद दीप नारायण यादव के परिजनों से मिलने उनके घर भी जाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से पूरा एक प्लान को बनाया गया है और प्लान के तहत अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। 22 तारीख को उनको यहां पर आना था लेकिन 22 तारीख को कुछ तकनीकी खामियां हुई और टेक्निकल कुछ उनको इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद 22 तारीख के प्रोग्राम को रीशेड्यूल किया गया और 26 दिसंबर यानी आज अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे। अखिलेश यादव साफ तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं और अब उन्होंने एक पॉइंट पर हिट करना चालू किया है, वो ये है कि सरकार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है और बड़े नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में आज जब जेल में बंद दीप नारायण यादव से अखिलेश यादव मिलने पहुंचेंगे तो एक और मैसेज देने की कोशिश होगी कि चलिए बिल्कुल रतीश, अब देखने वाली बात है जब दोनों के बीच में ये मुलाकात होगी तो क्या सियासी मायने उसके निकाले जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ में आज यूपी भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। दरअसल आने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ठोस रणनीति पर काम कर रही है और इसी को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। सुबह 11:30 से होने वाली ये बैठक भाजपा मुख्यालय में होगी। हालांकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आना बाकी है और फैसला हाईकोर्ट ने रिजर्व रख लिया है जिसकी कल आने की पूरी उम्मीद है। फैसले के बाद ही निकाय चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बन सकेगी। नगर निकाय चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है और ऐसे में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। निकाय चुनाव को लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और इसमें भाजपा सभी नगर निगमों, जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद के साथ साथ प्रमुख नगर पंचायतों पर जीत का परचम फहराने की कवायद में है। तो निकाय के लिए भाजपा का क्या है रणनीति चक्र, पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों की आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री धनपाल सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा की बैठक में जो निकाय चुनाव है उस पर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। निकाय चुनाव में जीत वाली रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
इसी के साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उसकी भी तैयारियों पर आज इस बैठक में चर्चा होना संभव माना जा रहा है। नए साल पर भाजपा कार्यक्रमों पर मंथन करेगी और लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2024 निकाय चुनाव सभी को लेकर रणनीति भाजपा की तरफ से बनाई जा रही है। आज भी ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके लिए माना यह जा रहा है कि 2024 के साथ साथ निकाय चुनाव पर भी जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसलिए कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है और इसलिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। तो निकाय चुनाव पर आज लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली मनोनयन वाली 6 सीटों के लिए आज भाजपा नेता मंथन करेंगे। माना यह जा रहा है कि यूपी भाजपा के नेता नामों को फाइनल करके आज आलाकमान को भेज सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय अध्यक्षों को विधान परिषद भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि पार्टी जल्द ही होने वाले निकाय और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधान परिषद में दलित और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकती है। ऐसे में कई प्रदेश पदाधिकारियों को भी नए साल का तोहफा मिल सकता है। विधान परिषद ने मनोनीत कोटे की 3 सीटें इस साल 28 अप्रैल और 3 सीटें 26 मई को खाली हुई थी। हालांकि 7 महीने बाद भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज माना जा रहा है कि आज जो नाम पर चर्चा इतने दिनों से चली आ रही थी वो चर्चा खत्म हो सकती है और जो 6 नाम है उन्हें आज आलाकमान को भेजा जा सकता है। नाम तय करके शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और आलाकमान की तरफ से ही इन नामों पर सहमति बनेगी। तो एमएलसी की रेस है, कौन फेस है इस पर ये आपको बता देते हैं। यूपी विधान परिषद की 6 सीटों पर मंथन आज होना है। भाजपा का उम्मीदवारों के नाम पर यह मंथन है और आपको बता दें कि मनोनयन वाली 6 सीटों पर चर्चा होना संभव इस बैठक में माना जा रहा है। भाजपा आज नामों पर मोहर लगा सकती है और जब नाम तय हो जाएंगे तय नामों को आलाकमान को भेजा जाएगा। नाम फाइनल होने पर राज्यपाल को ये नाम भेजे जाएंगे और उसके बाद एमएलसी के लिए कई नाम इस रेस में शामिल है। सबसे पहले नाम अगर की बात की जाए तो रजनीकांत माहेश्वरी का नाम इसमें सबसे पहले शामिल है। मानवेंद्र सिंह का नाम भी आगे है। ब्रज बहादुर का नाम भी एमएलसी के लिए सबसे आगे है। संतोष सिंह और प्रियंका रावत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि अप्रैल और मई में खाली हो चुकी विधान परिषद की ये 6 सीटें हैं जिन पर इन नामों पर मंथन आज किया जाएगा और उसके बाद इन नामों को आलाकमान को भेजा जाएगा। तो ये वो 6 नाम हमने आपको बताए जो कि इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि आज इन नामों पर जो मोहर है वो लग सकती है। आलाकमान को ये नाम भेजे जाएंगे, उसके बाद राज्यपाल को ये नाम भेजे जाएंगे और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो होगा। भाजपा नेताओं को ये नए साल का तोहफा भी मिल सकता है। तो नाम फाइनल होने पर राज्यपाल को भेजे जाएंगे। एमएलसी की रेस और कौन फेस होगा उस पर आज फैसला हो सकता है। तो कोविड से बढ़ते खतरे के बीच यूपी सरकार की पहल और आज से यूपी के अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जारी हो जाएगा। मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टरों की सभी जानकारी मिलेगी, एक क्लिक पर खुलेगी मरीज की सभी रिपोर्ट, मरीज की सारी जानकारी ऑनलाइन फीड हो सकेगी। आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी के सभी अस्पतालों में आज से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे प्रदेश के चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे। इस प्रणाली के जरिए मरीज की सारी जो जानकारी है वो ऑनलाइन फीड करके डॉक्टर के कंप्यूटर तक पहुंचेगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर देख सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में एनएक्सी में इसका उद्घाटन होगा। पहले चरण में चिकित्सा शिक्षक गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, कानपुर और आगरा के मेडिकल कॉलेज में इस प्रणाली को लागू किया जाएगा और फिर प्रदेश के 36 कॉलेजों को इससे जोड़ा जाएगा। सिस्टम के लागू होने से जहां एक और अस्पतालों के प्रबंधन, नेतृत्व और नेटवर्क कार्य प्रणाली और प्रशासन में सुधार होगा, तो वहीं मरीजों को एक यूनिक आईडी नंबर मिलने से उनसे जुड़ी सारी जानकारी अस्पताल में दर्ज भी हो जाएगी। एक क्लिक में आपके मोबाइल पर डॉक्टर हाजिर हो जाएंगे। कैसे ये प्रणाली काम करने वाली है ये आपको समझाते हैं। यूपी के अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू होगा।
सिस्टम से चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, कानपुर, आगरा जुड़ेंगे। इन जिलों को इसमें शामिल किया गया है और बाकी बचे प्रदेश के 36 कॉलेजों को इसमें बाद में जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की मौजूदगी में आज इसका उद्घाटन होगा। मरीज की सारी जानकारी ऑनलाइन फीड हो सकेगी और मरीज को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। एक क्लिक पर मरीज की जो सभी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन मिल सकेगी। मरीजों को अस्पताल आने पर केस हिस्ट्री की जरूरत नहीं होगी और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर कंप्यूटर पर इसे देख सकेंगे। मरीज अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धता भी चेक कर सकेंगे कि अस्पताल में डॉक्टर है कि नहीं। अस्पताल में पहले से रिकॉर्ड दर्ज होने से मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पतालों के प्रबंधन नेटवर्क और कार्य प्रणाली और प्रशासन में इस प्रणाली के आने के बाद सुधार होना माना जा रहा है। तो एक और कदम उठाया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आज स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक क्लिक पर मरीजों के सामने डॉक्टर हाजिर होंगे। जो पूरा रिकॉर्ड होगा मरीजों का वो ऑनलाइन अब उपलब्ध होगा। और इधर गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की चेतावनी। लोनी नगर पालिका के लिए टिकटों के दावेदारों को धमकी दी गई है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मांस खाने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि शराब पीने वालों को टिकट नहीं मिलेगा और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नेता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। नंद किशोर गुर्जर ने आगे ये भी कहा कि अच्छे चरित्र वाले नेता को टिकट मिलेगा। तो नंद किशोर गुर्जर जिनका ये बयान अब सामने आया है और चेतावनी देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। मास्क खाने वाले को किसी को नहीं दिया जाएगा, ये हमने घोषणा की है। जनता के लोगों से भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के कोई नाराज ना हो कि शराब को छोड़ दे, शरीर का नाश करती है। लेकिन जनता पे प्रतिबंध नहीं है क्योंकि जनता मालिक है। जनता के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि शराब पी के या नहीं कि बलात्कार कर दे, लूट करे, अपने आप को जंगली पशु बताना शुरू कर दे। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है लॉनी के अंदर। आप लोगों ने यहाँ तय किया है एक तरफा वोट डाल के भाजपा को, मुझे उम्मीद है कि लॉनी के अंदर रामराज लाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।